टैबलेट 3, अस्सलाम वालेकुम। टैबलेट 3 जो है कंटिन्यूएशन ऑफ टैबलेट 1 और 2। टैबलेट 2 के अंदर हमने पढ़ा कि जो है वो ब्रीफली बता देता हूँ कि अनशार ने जो है अनु को कहा, फिर अनु ने फिर अनु अनशार ने इया को कहा, मगर अनु अनु को कहा था कि जो है जाके जाके बदला लो तियामत से, मगर अनु वापस आ गया। फिर उसने मारडुक को सिलेक्ट किया, मारडुक जो है खुश रहा, वो कहा कि उसने तसली दी कि जो है मैं जो है जाके तियामत से लड़ूंगा। तो ये आगे जो है अब टैबलेट 3 उसी की कंटिन्यूएशन है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं टैबलेट 3। अनशार ओपन दिस माउथ एंड एड्रेस दीज वर्ड्स टू कागा हिज वज़ीर। कागा माई वज़ीर, अच्छा वज़ीर भी वर्ड यहाँ से निकला है ना, हु ग्लैडस माई हार्ट अन टू लामू एंड लामू आई विल सेंड ही थाउ नोएस्ट हाउ टू डिसर्न एंड आर्ट एबल टू रिलेट। तो अनशार जो था उसने जो है कहा अपने वज़ीर को, कहा काका जिसका नाम था, कि तुम जाओ लामू और ये लामू को, लामू के पास जाओ और लहमत के पास, इन दोनों के पास जाओ और उनसे बातें करो और उनको बताने की कोशिश करो। कॉज द गॉड्स माई फादर्स टू बी ब्रॉट बिफोर मी, लेट देम ब्रिंग ऑल द गॉड्स टू मी एंड लेट देम कन्वर्स एंड सिट डाउन टू अ बैंकेट एंड लेट देम ईट ब्रेड एंड प्रिपेयर वाइन। इनको कहो कि जो है सारे के सारे खुदा मेरे पास आए, अनशार के पास, और आके खाते पीते वगैरह, मतलब एक तरह से सबको कन्वीन की असम्बली सारे गॉड्स की। और इन दोनों को, वज़ीर को कहा के काका को काका को कहा के इन दोनों के पास जाओ और इन दोनों को कहो कि सारे खुदाओं को बुला के मेरे पास असम्बली बुलाओ ताकि, और एक तरह से जो है असम्बली हो, खाएँ पियो, फिर हम लोग मजीद बातें करें। खैर आगे बढ़ते हैं। फॉर मार्डुक दे एवेंजर लेट देम डिक्री द डेस्टिनी सेट आउट ओ काका, गो एंड स्टैंड थाउ बिफोर देम व्हाट आई एम अबाउट टू टेल दी रिपीट अनटू देम अनशार योर सन हैज सेंट मी। अच्छा तो वो काका को बताता है कि सारी की सारी स्टोरी के जो है लहमू और लहमत के पास जाओ, गॉड एंड गॉडेसेस, और उनको ये सारी स्टोरी बताओ जो कि मुझे बताई हैं इया ने। अनशार योर सन हैज सेंट मी द कमांड ऑफ हिज हार्ट अनशार, हाँ लहमू लामा जो है अनशार जो उनका बेटा है, हाँ वो काका उनके पास जाते हैं लामा लामा के पास और बोलता है कि जो है तुम्हारा बेटा अनशार ने मुझे भेजा है, और उसने सारी की सारी डिटेल बताते हैं। उसमें सारी सेम स्टोरी है फ्रॉम टैबलेट 1 एंड टैबलेट 2, पूरी क्रिएशन ऑफ ऑल दी क्रीचर्स, और उसका जो हस्बैंड था उसको बना के उसने किस तरीके से जो है उसको पावरफुल एक आर्मी का जो है हेड कमांड करने के लिए दे दिया। तो ये सारी सारी जो है लहमू और लहमा को बताता है वो वज़ीर जाकर, ठीक है। ये सारी स्टोरी हम पहले ही पढ़ चुके हैं विद पॉइजन स्टैंड ऑफ ब्लड फिल ऑफ विनम्स के बारे में सब कुछ। तो ये पूरी स्टोरी यहाँ पर यहाँ तक की है, और फिर किस तरीके से उसने जो है एक गॉडेस थी, उसने किंगू को जो है पूरा एक एग्जाल्टेड गॉड बना दिया और फिर उसको एक्सट्रीम पावरफुल आर्मी का कमांड भी करने की इजाज़त दे रही। तो ये सारी जाके स्टोरी काका जो है लहमा और लहमत जो गॉड एंड गॉडेसेस हैं, गॉडेस है, इन दोनों को जाकर रिलेट करता है। आगे अब कहानी बढ़ती है यहाँ से। हाँ, नाउ व्हेन किंगू हैड बीन एग्जाल्टेड हैड रिसीव सुप्रीम डोमिनियन दे डिक्रीड द डेस्टिनीज ऑफ द गॉड्स हिज सन सेइंग मे द ओपनिंग ऑफ योर माउथ क्वाइट द फायर गॉड मे द ओवर पावरिंग पॉइजन। ये सब हमने टैबलेट 1 में पढ़ चुका है। अब वो आगे बताते हैं कि आई सेंट अनु बट ही कुड नॉट फेस हर। यहाँ से स्टोरी अब आगे बढ़ती है। ये वो पीछे जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं, वो इस पूरी सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। तो उसने अनु को भेजा था मगर वो फेस नहीं कर सका तियामत की आर्मी को और वापस आ गया। तो और नूदीमुद वॉज ऑल्सो अफ्रेड एंड टर्न बैक। देन मारडुक, ये बंदा मारडुक, द वाइजेस ऑफ द गॉड्स योर सन केम फॉरवर्ड हिज हार्ट प्रॉम्प्टेड हिम टू फेस तियामत ही ओपन्ड हिज माउथ एंड सेड टू मी इफ आई एम इंडीड टू बी योर एवेंजर टू वैनक्विश तियामत एंड टू कीप योर लाइफ कन्वे द असेंबली एंड प्रोक्लेम। तो ये अभी हमने टैबलेट 2 के अंदर कहा के पढ़ा के मारडुक ने कहा कि अनशार को कि अगर मैं जाके आपके बदला ले लेता हूँ तो आप जो है पूरी असेंबली के सामने जो है मुझे द मोस्ट सुप्रीम गॉड का आप अलकाब लकब लकब वगैरह देंगे। तो ये रिलेट करता है लहमा और लहमुद को, ये जो दो गॉड्स हैं। When you are joyfully seated together in the court of assembly, may I through the utterance of mouth determine the destinies
instead of you. Whatever I create shall remain unaltered. The command of my lips shall not turn. It shall not be changed. ये हमने टैबलेट टू के अंदर आखिरी के तीन चार वर्सेस थे. Hasten to me and speedily fix for him your destiny, that he may go to meet your powerful army. Powerful enemy. तो वो वज़ीर जो है जाके कहता है कि आप जो है अपनी दुआएं दें मारदुक के लिए ताकि वो अपने पावरफुल आर्मी टियामत से जाके लड़ सकें. अच्छा, ये सारी स्टोरी लहमत और लहमू को बता रहा है. अनशार का एक वज़ीर था काका, वो जाके अपने अनशार उनका बेटा है लामा लामू का, और उस वो बता रहा है सारी सारी स्टोरी जो अब तक हो चुकी है. Gaga went and pursued his way. Before Lamu Lamu, the goddess's ancestor, he posted himself and kissed the ground at their feet. He sat up, stood forward and said to them, Anshar, your son has sent me the command of his heart. He has charged me to convey, saying, Tiamat appear, hates us. ये वो स्टोरी सारी, तो वो जाता है ये सारी सारी स्टोरी बता रहा है, ठीक है. फिर यहाँ पर वो मजीद उनको रिलेट करता है कि even though he have you, those you have created march at her side, they separated themselves and went over to the side of Tiamat. They were angry, they plotted, not desiring the same story, Mother Huber की भी या सारी सारी की सारी जो है जो हमने अभी आगे पढ़ी है. यहाँ पे now when Kingu had been exalted, the same story repeat हो रही है यहाँ पे. और मार्डो की बात में आ गई. He opened his mouth. May I through utterance my mouth determine the destiny, whatever I create shall remain unaltered. अब यहाँ पर है. When Laha and Lahamu heard this, they cried aloud. जब उन्होंने ये स्टोरी कहानी सुनी लहामू और लामा ने, तो दे क्राइड अलॉट. All the Igigi wailed painfully. Igigi कौन है? Igigi इसके अंदर मुझे नहीं पता, इसमें नहीं दिख रही Igigi के नाम से कोई. खैर, जब उन्होंने स्टोरी सुनी तो बहुत रोए, और फिर उन्होंने कहा, रोते हुए कहा, बड़े पेनफुली कहा, दर्द के बड़ी इनको दर्द हुआ सुन के कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, कि what has happened that she has come to such a decision. तो वो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हुआ जो इस कदर वो मतलब वो दिल बर्दाश्त हो गई कि वो इस किस्म की जंग के बारे में सोच रही है. We do not understand Tiamat's action. हम नहीं समझ पाते कि Tiamat ऐसा क्यों करिए. They gathered together and departed. All the great gods who determined the destinies, they entered into the presence of Anshar and filled the court of assembly. ठीक है, वो लामा लामू जो थे गॉड एंड गॉडेस, इनको समझ में नहीं आए. फिर ये वापस आए अनशार की जो ग्रेट असेंबली थी, वहाँ पर शुमार हो गए, खड़े हो गए. दे केस वन अनदर इन द असेंबली, दे कन्वीन, सैट डाउन टू अ बैंकेट एंड दे एट ब्रेड, प्रिपेयर्ड वाइन एंड The sweet wine dispelled their fears. वो आए अनशार के असम्बली में, खाया पिया और ज़रा अपनी जो फियर था, जो परेशानियाँ थी, ज़रा थोड़ा हल्की हुई. And they drank the strong drink. Exceedingly carefree were they. Their spirit was exalted. For Marduk, their avenger, they decreed the destiny. और इनको ज़रा तसल्ली हुई कि जो मारदुक जो इनका जो हीरो था वो सही असाइन हुआ है, और इस पे ज़रा वो खुश थे कि जो है ये बंदा ठीक है, ये गॉड ठीक है, और ये अपना ये हमारा बदला त्यामत से ज़रूर लेगा. तो यहाँ पे आके जो है टैबलेट थ्री ख़त्म होती है. ऑलमोस्ट टैबलेट वन एंड टैबलेट टू के ही रिपीटेड स्टोरीज हैं इसके अंदर. तो अभी एज सच कोई कहानी इतनी बड़ी नहीं है, विच इज़ स्ट्रेंज, क्योंकि तीन तीन चार चार मरतबा पूरी पूरी वो स्टोरी रिपीट हो रही है ऑफ क्रिएशन ऑफ द 11 क्रिएचर्स, और किस तरीके से किंगू को जो है एक गॉडेस ने जो है बनाकर उसको पावर दी, उसको एग्जाल्ट किया, फिर उसके हेड कर दिया. खैर, एनीवे द सेम स्टोरी दैट आई हैव बीन रिपीटिंग इन लास्ट टू वीडियोस. तो अब खैर, अब आगे बढ़ते हैं टैबलेट फोर के अंदर, और कोशिश करेंगे टैबलेट फोर ख़त्म करें. अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टैबलेट फोर ख़त्म करते हैं. होपफुली देखते हैं आपको टैबलेट फोर में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो. ओके, बाय, टेक केयर.